25 जुलाई 2018 के जनरल इलेक्शन हुए, जो आम इंतखाबात हुए, उस पर तो मुस्लिम लीग नवाज़ के तहफ़ुज़ात ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन आज का जो 14 तारीख का ज़मीनी इंतखाबात का आज का जो सिलसिला है, इस पर मुस्लिम लीग नवाज़ क्या राय रखती है? मैं सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की तहमीना दुल्ताना साहिबा, इनसे बात करते हैं। पहले मियाँ नवाज़ शरीफ को और बीबी को पकड़ लिया, बाद में मियाँ शहबाज शरीफ को पकड़ लिया, दो दिन पहले आपने हमारे जॉन से मेन थे लोग उनको पकड़ लिया, और कहते हैं ये इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन हो रहा है कि ये सिलेक्शन हो रहा है। मेरे 5,500 वोट इन्होंने रद्द करके भेज दिए, मैं रिकाउंट में जाऊंगी, बेशक उसमें भी ये जो मर्जी कर लें। खामोशी सब तोड़ेंगे, वक्त आएगा ज़रूर करेंगे, चुप कोई भी नहीं बैठेगा, मगर हम भी अपने लीडर की इंतज़ार में है। बहुत शुक्रिया। तहमीना साहिबा फरमा रही हैं कि खामोशी ऐसे नहीं रहेगी, मुस्तकबिल करीब में ये खामोशी टूटेगी और हम भी खामोश नहीं रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे। देखते हैं मुस्तकबिल क्या होता है, ख़ास तौर पर जो नतायज हैं ज़मीनी इंतखाबात के। इन नशस्तों पर मुस्लिम लीग नवाज़ अपनी खोई हुई सीटें वापस लेती है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो जीत का तसलसल है उसे बरकरार रखती है, इसका फ़ैसला आज रात को हो जाएगा।